ये सीख में नाचने वाला एक नट है। इसके लिए आपको कार्ड शीट, झाड़ू की सीख, गोंद, सुई डोरा आदि लगेंगे। सबसे पहले तो मोटी कार्ड शीट लीजिए और इसको दोहरा कीजिए। आप देखेंगे कि जो नट है उसका धड़, उसकी बॉडी और उसके कंधे वाले जो बाजू हैं वो दोहरे हैं, डबल्ड हैं। बाकी उसके पैर और हाथ सिंगल हैं, इकेरे हैं। इसलिए आप बॉडी को डबल और बाजुओं को डबल बनाइए। इन सबको सजा दीजिए। उसके बाद में इसका धड़ लीजिए और इसमें जो चार बिंदु हैं उनको रबर पे रख करके सुई से चार सुराख बनाइए, चार छेद करिए। बाकी भी शरीर के सारे अंगों पे जो बिंदु लगे हैं वहाँ पर भी सुराख कीजिए। उसके बाद में धड़ पे गोंद लगाइए और उसमें सीख चिपका दीजिए और धड़ को दोहरा बंद कर दीजिए। उसके बाद में बाजू लीजिए, उसमें हाथ लगाइए, सुई डोरे में गांठ लगा करके सुई को पिरोइए। पीछे की तरफ गांठ होगी और ऊपर की तरफ एक और गांठ लगा दीजिए। इस तरह से एक कब्जा बन जाएगा जिससे कि बाजू और हाथ आपस में हिलेंगे। इस प्रकार अब बाजू और हाथ को आप कंधे के साथ भी जोड़ दीजिए। उसके लिए भी सुई डोरा गांठ एक तरफ लगाइए, सुई को निकालिए, पीछे गांठ होगी और ऊपर भी एक गांठ लगा दीजिए। इस तरह से इसके जितने भी अंग हैं उनको सुई डोरे से लगाइए। आप पाएंगे कि इसके दोनों पैर हिल सकते हैं, दोनों हाथ भी हिल सकते हैं। अब आपका नट नाचने के लिए तैयार है। उसको आप स्केच पेन से प्यार से रंगिए, अच्छे तरह से रंगिए, खूबसूरत बनाइए, सुंदर बनाइए। अब आपका नट तैयार है। ये उसका अगला हिस्सा है, चेहरा है, और ये पिछले वाला हिस्सा है। अब अगर आप सीख को लेकर के अपने हाथों में थोड़ा सा तेज से घुमाएंगे तो वो नाचेगा। उसके हाथ पैर हवा में उछलेंगे और नाचता हुआ आपको प्रतीत होगा। कुछ देर बाद में इस नट को एक साथी मिल जाती है जो भरतनाट्यम की नर्तकी है। उसकी एक बहुत लंबी चोटी है और अगर इसको भी, इसकी सीख को भी अगर आप हिलाएंगे तो नर्तकी भरतनाट्यम का नाच करेगी जो आपको बहुत सुंदर लगेगा।